देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ से पहली बार गणतंत्र दिवस परेड निकली। परेड में भारत की स्वदेशी सैन्य ताकत की झलक देखने को मिली। परेड में पहली बार सभी मेड इन इंडिया हथियारों का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं सभी राज्यों की झांकियां भी लोगों को काफी पसंद आई। अटारी बॉर्डर पर भी दिखा 74वें गणतंत्र दिवस का जोश। बीटिंग द रिट्रीट में सरहद पर भारत माता की जय की गूंज। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान जवानों का जोश काफी हाई दिखा। कांग्रेस के दूरी वाले बयान के बाद भी दिग्विजय सिंह रुकी नहीं रहे। एक बार फिर सेना के शौर्य पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा पर ट्वीट कर फिर से सवाल पूछा। कांग्रेस नेता राशिद दलवी भी दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। राशिद दलवी ने कहा, सबूत मांगने में हर्जी क्या है। दिग्विजय सिंह ने राशिद अलवी का वीडियो शेयर कर पुलवामा पर फिर से सवाल उठाया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने पीएफआई को बताया आतंकवादी संगठन। कहा, दुर्भाग्य से हमारे राज्य में भी पीएफआई के लोग मौजूद हैं। पीएफआई के बाहरी और आंतरिक गुट भारत के विकास में रोड़ा साबित हो रहे हैं। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस के मौके पर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे। मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम की समाप्ति के दौरान एनसीसी कैडेट नारा लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, और वो विवादित बयान देने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग की। मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान देकर उनका अपमान किया गया है। मुलायम सिंह यादव भारत रत्न के योग्य थे, नेताजी का मजाक किया गया, ये बीजेपी की घटिया सोच का नतीजा है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज लॉन्च कर दी गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नेजल वैक्सीन को लॉन्च किया। नेजल वैक्सीन में किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये नाक में ड्रॉप के जरिए दी जाएगी। भारत बायोटेक के मुताबिक सरकार को नेजल वैक्सीन की डोज सरकार की तरफ से 325 रुपए जबकि निजी अस्पतालों में 800 रुपए में मिलेगी। पठान फिल्म पर विवादों के बीच शाहरुख खान ने देशवासियों को पठान अंदाज में दी बधाई। लिखा, देश के लिए क्या कर सकते हो, हमें वो सब संजोना चाहिए जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। फिल्म में पठान का मकसद भी देश को बचाना होता है। आज सबसे पहले आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।